sometimes, and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग जैसे कि किचन से शुरू हो रहा है। सो अभी 3 बजने वाला है और आज मैंने बनाया है राइस और दाल। सो मैं अपना दाल ऑलमोस्ट बन चुका है और दाल में थोड़ा सा मिर्ची ज़्यादा डल गया इसलिए रेड कलर हो गया। कोई नहीं, तो अपना मैं बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आज बाहर का मौसम इतना ज़्यादा कोहरा कोहरा हो रखा है और ऐसे लग रहा है कि आज या कल में फिर से स्नोफॉल शुरू होगा। अभी 1-2 दिन बंद है, सो देखते क्या होता है। और देखो, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, जितना जूम कर रहा हूँ नहीं दिखेगा। सो खाना बन चुका है और 3:30 हो चुका है अभी, मतलब खाना पूरा कंप्लीट बनाने में। और अभी भी दाल और राइस बना है, तो मिखाइल बोल रहा है कि उसको अभी लाइक और कुछ बनाना है। सो वो अंडा भुर्जी बना रहे हैं, दाल, अंडा भुर्जी और चावल, और साथ में है सलाद। सो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहा है और मेरे को एक दोस्त का कॉल आया कि आओ पार्टी करते हैं, खाना बनाया, छोले भटूरे या कुछ भी बनाया होगा खाने में। तो मैंने बोला ठीक है, आ जाता हूँ। और अभी रूम से निकल रहा हूँ 9 बजे, बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं है बाहर। तो सो मैं उनके फ्लैट जाता हूँ, फ्लैट जाके मिलता हूँ। बाय द वे, आज उतनी ठंडी भी नहीं है, मैंने तो नॉर्मली एक अंदर डाला है स्वेट शर्ट टाइप का और ऊपर से नॉर्मली एक जैकेट डाल रखा है। सो इतने मैंने जैकेट का देखो बटन भी बंद नहीं किया, सो इतनी ठंडी है नहीं। सो मज़ा आ रहा है चलने में। और देखो बर्फ़ बिल्कुल पिघल चुकी है और रास्ता बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि आज दिन में थोड़ा सा शावरी रेनफॉल हुआ था। सो इसके वजह से इतना बर्फ़ अभी रास्ते में तो एकदम ही नहीं है, और साइड में जो थे वो भी बहुत सूख गए मतलब पिघल गए। सो मैं आ चुका हूँ फ्लैट, और फ्लैट में जो चीज़ बन रही है, वाह, मुझे देख के मज़ा आ गया। पूरी बन रही है और कितना छोटा सा ये है लाइक कढ़ाई, और कितना मस्त पूरियाँ बन रही है, एक एक पूरी बन रही है इसमें। और मेरे को तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा मस्त फूल भी रही है। सो खाते टाइम आपको दिखाता हूँ कि कितना मस्त स्वादिष्ट हुआ है। सो खाते टाइम मिलता हूँ और आप लोग थोड़ा सा इन्जॉय करो। इंडियन खाना यहाँ पे बहुत ही कम बनता है, जहाँ बनता है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और ये जो खाना है, ये नेहा का एक दोस्त है मोनिका, उन्होंने इन्वाइट किया था, उसी के घर पर ये खाना खाने आया हूँ। और बन गया है हमारे छोले के साथ पूरी। सो मैं इन्जॉय करता हूँ अपना डिनर, आप भी साथ में एंजॉय करो ब्लॉग को। खाने में से बहुत गुड स्मेल आ रहा है, मेरे से रहा नहीं जा रहा, खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, और खाने के बाद जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ लूडो। लाइक हम 5 लोग थे, मैं, मोनिका और नेहा, और साथ में और 2 भैया थे। सो उनके साथ शुरू हुआ, और मेरे देख सकते हो बस 2 गोटी बचा हुआ है। सो मेरे कब अंदर जाएगा ये नहीं पता, और लो फर्स्ट आ गया मैं। ये हुई ना बात, देखो हमेशा की तरह मैं ही फर्स्ट आता हूँ और ये लोग चले जा रहे। मुझे लग सो जो दोस्त के घर गए थे वहाँ से अभी आ चुके, और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाई थी, बहुत स्वादिष्ट। मैं नेहा गए थे, हम लोग को तो बहुत मज़ा आ गया। और बाकी अभी 1:10 हो रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं अभी अपना हॉस्टल, और हॉस्टल के बिल्कुल जस्ट सामने ही है। हम लोगों को अभी 2 मिनट ही हुआ है उसके फ्लैट से निकले हुए, और वो जो सामने दिख रहा है वो हॉस्टल का लाइट ही दिख रहा है। सो ये हॉस्टल के सामने एक चर्च है, और यहाँ से रोज़ गुजरता हूँ, मैं कभी सामने नहीं आया हूँ, और फर्स्ट टाइम इसके सामने आ रहा हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे ना रोज़ हर मतलब संडे को प्रेयर्स वगैरह होते हैं सुबह, और नए देखो अभी क्रिसमस आने वाला है, तो ये वाले लाइट लगवाए हैं अभी, और दिखने में भी कितना मस्त लग रहा है, और बीच में 1-2 ब्लिंक भी कर रहे हैं, इसलिए देखने और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
अभी तक आपने व्लॉग देख लिया तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना हम लोगों को जैसे ये आज पार्टी वार्टी करके आए आप लोगों को कैसे लगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, और जो क्वेश्चन मैंने कल पूछा था कि लायन को क्यों माना जाता है जंगल का शेर, क्योंकि लायन कभी खुद का अपना शिकार नहीं करता है, लायनेस मतलब जो फीमेल लायन होते हैं वो शिकार करके लाते हैं, और लायन को कभी फूड के लिए डिपेंडेंसी नहीं रहना पड़ता है जो कि टाइगर को रहना पड़ता है, इसलिए टाइगर अपना शिकार खुद करता है, टाइगर ने करके नहीं देती है। इसलिए है लायन को जंगल का बोला जाता है राजा, और राजा का अपना एक पर्सनैलिटी होना चाहिए, दहाड़ होना चाहिए। लायन का जो दहाड़ है वो बहुत तेज होता है, इसीलिए लायन को बोला जाता है जंगल का राजा। अगर जिसको ये आंसर पता था ज़रूर नीचे लिखना कि आई न्यू, और या फिर जो भी कि मेरे को पता था, और जिनको नहीं पता था वो लिखना कि अरे चलो आपने कुछ अच्छा ही बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए एक लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो बाय, जय हिंद।